फरुखाबाद बिजली विभाग के काउंटर पर विद्युत बिल जमा करने पर उपभोक्ता द्वारा दिए गए सिक्के लेने से मना करने पर उपभोक्ता धरने पर बैठ गए। फरुखाबाद बिजली घर में बिजली उपभोक्ता अपना बिल जमा कराने आए हुए थे। सभी के पास 1 रुपए से 10 रुपए के कुछ सिक्के थे। बिजली विभाग के काउंटर पर सिक्के लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर सभी उपभोक्ताओं की बिल काउंटर पर बैठे बिजली विभाग के कर्मचारी से बहस हो गई। उपभोक्ताओं का कहना था कि जब बैंक हम लोगों को हजारों रुपए के सिक्के देती है और हम लोग आसानी से लेकर चले आते हैं, तो सिक्के तो सरकारी है तो सरकारी विभाग में 150 रुपए आसानी से ले सकते हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं ले रहे हैं। इसके बाद सभी उपभोक्ता धरने पर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख एक्शन पंकज अग्रवाल ने सिक्के जमा कराने शुरू कर दिए, तब जाकर मामला शांत हुआ। फरुखाबाद से न्यूज 7 के लिए जितेंद्र दुबे की रिपोर्ट। लिए बैठे हुए हम अपना घर का बिल लेके आए थे 1408 रुपए का, 900 रुपए कागज के थे, 500 रुपए सिक्के थे, उसमें 1 के सिक्के थे और 10-10 के सिक्के थे। उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया है, कहा ये राष्ट्रीय मुद्रा है और इसके विरोध में, राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान के लिए विरोध में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अभी आगे ये लड़ाई है। बहुत स्थिति खराब है, अपना तफरी का माहौल पैदा है शहर में और जिला प्रशासन इसको ध्यान दे नहीं रहा है। नोटबंदी के दौरान बैंक सिक्के दे सकती है, तो हर विभाग सरकारी ये सिक्के लेने से इनकार क्यों कर रहा है। लोग आए, मतलब तुरंत आदेश कर दिया गया है, समस्या के सामने आने पर सिक्के लिए जाएंगे, किसी भी सिक्के के लिए मना नहीं किया जाएगा।